थ्री. इन क्वेश्चन नंबर थ्री देर इज गिवन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी एंड आर इज इक्वल टू फाइव. आर इज इक्वल टू फाइव वेन वेन टी इज इक्वल टू बी टी इज इक्वल टू एट. अच्छा एट. दिस इज आवर फर्स्ट लाइन विच इज कंप्लीट लाइन वेर आर एंड टी आर बोथ वैल्यूज आर गिवन. इन द सेकंड पार्ट व्हाट विल हैपन. फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग आर एंड टी. सबसे पहले तो इन टर्म्स ऑफ वो वाला कर लें. इक्वेशन जो है बन जाएगी इसको देखेंगे. आर इज इक्वल टू के टी आपके कैपिटल में इसको लिखना था. ये मतलब जो है ना इक्वेशन ये इन टर्म्स वो जो कह रहा था ना वो बन गई है. जी सर. अब अगर ये इक्वेशन बन गई है तो इस ये हो गया आर इज इक्वल टू के टी. नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो पार्ट है लिखा हुआ है इक्वेशन फाइंड होगी. आल्सो फाइंड आर व्हेन टी इज इक्वल टू 64. अब क्वेश्चन में क्या है जी टी दिया हुआ है 64. जी आर कैलकुलेट करना है. आप समझ लें दिस इज आवर पार्ट वन. पार्ट टू वो क्या दिया हुआ है. पार्ट टू में क्या है फाइंड टी इफ आर इज गिवन एंड आर इज इक्वल टू 20. वी राइट दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर वन. और इक्वेशन नंबर वन जब कर लेते हैं तो उसके बाद वैल्यू पहली कंप्लीट लाइन जो है ना ये जो पहली लाइन टिक की है इसमें दोनों वैल्यू लगा दें. आर जब फाइव है व्हेन टी इज आर फाइव व्हेन टी इज इक्वल टू एट के इज इक्वल टू फाइव बाय एट. दिस इज आवर वैल्यू ऑफ के. अच्छा हम पता है अब क्या करते हैं. एक तो ये वैल्यू के की जो है इसको पुट करते हैं और दूसरा पार्ट वन के अंदर की वैल्यू है ये दोनों उठा के इक्वेशन नंबर वन में पुट कर लेते हैं. पुट वैल्यू के एंड टी इन इन इक्वेशन नंबर वन. ये वन में पुट करें. हाँ जी आर इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू के की वैल्यू फाइव बाय एट. हाँ जी फाइव बाय एट मल्टीप्लाइड बाय टी की वैल्यू 64. जी बिल्कुल ये 64 हो गया. अब ये कैंसिल कर लिया तो ये 8 आ गया और R इज इक्वल टू 40 आ गया. दैट्स ऑल. अब इसमें जो पार्ट टू है इसके अंदर जो टी कैलकुलेट करना है ये टी भी कैलकुलेट होगा विद द हेल्प ऑफ R एंड वैल्यू ऑफ K. नाउ इन पार्ट टू पुट वैल्यू ऑफ के एंड आर इन इक्वेशन वन. यहाँ पे जो आर की वैल्यू है ये इक्वेशन तो है हमारे पास आर इज इक्वल टू के टी. इसमें आर है हमारे पास 20 है 5/8 और टी टी क्या हो जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइडेड बाय 5. 5 4s are टी कितना आ गया 32. 32